राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आता हूँ। लगभग 34 साल बाद, 34 साल नहीं, पिछले 500 वर्षों से जो समस्त राम भक्तों ने सपना देखा था, राम काल्पनिक है ये बताया गया और बाबरी मस्जिद यही थी। मोदी जी ने और योगी जी ने इस अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है, इसीलिए 22 जनवरी पहले से तय कर दी थी, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ रहे कि हाँ उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया। जो लोग कांग्रेसी शंकराचार्य हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कोई भी बचाने वाला नहीं है। अपने साथ महंत गौरी शंकर जी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है और निवास हनुमानगढ़ी में गरिया करे। महाराज जी सबसे पहले तो आपको प्रणाम, मैंने तो आपके बारे में बताया लेकिन एक छोटा सा इंट्रो आप दें अपना, आप बताएं पहले अपने बारे में व्यूअर्स को। मेरा नाम महंत गौरी शंकर दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा। पहले मैं हनुमानगढ़ी के बारे में जानना चाहूंगा, आप हनुमानगढ़ी के बारे में बताएं महंत जी। हनुमानगढ़ी एक पंचायती व्यवस्था है जो भारतवर्ष में 13 अखाड़े बनकर अखाड़ा परिषद बनता है, उसकी एक सदस्य के निर्वाणी अखाड़ा भी है और निर्वाणी अखाड़ा के अंतर्गत भारत का बहुत ही प्राचीनतम और बहुत ही प्रसिद्ध श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है और वहाँ पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, चाहे कोई भी कार्य करना हो बिना पंचायत के बिना बहुमत के कोई कार्य नहीं होता है। राम जन्मभूमि के मुद्दे पर आता हूँ, लगभग 34 साल बाद जो सपना देखा गया था वो पूरा हो रहा है, पहले तो आप उसके बारे में बताएं, आप क्या कहेंगे, आपने क्या क्या यहाँ पर देखा, कितना बदलता आपने देखा। 34 साल नहीं, पिछले 500 वर्षों से जो समस्त राम भक्तों ने सपना देखा था आज वो साकार हो रहा है और हमने 40 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि अयोध्या किस परिस्थिति से गुजरते हुए आज हर्षोल्लास का समय है। आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भवन में 22 तारीख को पधारने वाले हैं, पूरे देश में, पूरे दुनिया में और खास करके अयोध्या में समस्त संतों के लिए और समस्त भक्तों के लिए बहुत सी हर्षोल्लास का समय है और समस्त संत अयोध्या में 22 तारीख की रात दिन एक करके अपने अपने आश्रमों में तैयारी कर रहे हैं और उस दिन भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। सबने कहा कि राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं, राम पूरे भारत के हैं, राम पूरे विश्व के हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है वो बताएं महन जी। इसमें कहने की कोई बात नहीं है, राम जी तो अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रकट हो जिमियागी, तो ठाकुर जी तो सबके हृदय में विद्यमान है। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या लगभग जब से हमारे हिंदूवादी सरकार आई है तब से अयोध्या अपनी नित नई ऊंचाइयों को छू रही है, निरंतर अयोध्या का विकास होता जा रहा है। आप राजस्थान से चल करके अयोध्या आए होंगे, जिस समय अयोध्या की सीमा में आपने प्रवेश किया होगा, अयोध्या में प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि अयोध्या आ गई है। आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का एक नंबर का रेलवे स्टेशन है, अयोध्या की गलियां पहले सकरी हुआ करती थी आज चौड़ी है, कहीं भी आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे वो अभी जहां आप बीड़ा चौक पर खड़े हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, बीड़ा चौक की स्थिति देख लीजिए क्या था क्या हो गया है, तांता लगा ही रहता है, 24 घंटे सेल्फी लेने वालों की भीड़ लगी ही रहती है। तो मोदी जी ने और योगी जी ने इस अयोध्या का कायाकल्प कर दिया है और बहुत ही सुंदर अयोध्या, भव्य अयोध्या हो रही है, दिव्य अयोध्या हो रही है, नव्य अयोध्या हो रही है। कुछ चंद सवाल और हैं महन जी मेरे, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने 14 से भी ज्यादा वकील लगाए, राम काल्पनिक है ये बताया गया और बाबरी मस्जिद यही थी, मस्जिद थी यहाँ पर ये भी बताया गया, राम मंदिर नहीं बनेगा वो भी हमें बताया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना ही बहुत ही बुरा लगता है। जिन लोगों ने राम को काल्पनिक बताया, सनातन का विरोध किया, ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इस देश का नौजवान, इस देश का राम भक्त, इस देश का संत, उनको अपने हृदय से निकाल चुका है और उनको पता भी चल जाएगा अति शीघ्र कि जो हमने क्रियाकलाप किया है उसका परिणाम शुरू बहुत जल्दी सामने आने वाला है। और अब निमंत्रण को अस्वीकार किया है कांग्रेस पार्टी ने कि नहीं, ये तो बीजेपी और आरएसएस का बनाया गया एजेंडा है, बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, हम इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा सकते, तो आप बताएं कि ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का ही कार्यक्रम है? ये बीजेपी आरएसएस का काम कार्यक्रम नहीं है, ये समस्त राम भक्तों का कार्यक्रम है। और जो इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं कि आमंत्रण का विरोध करना, राम मंदिर का
उनका विरोध करना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कहते हैं कि रामचरितमानस में लिखा है, जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेही। तो उनकी बुद्धि हर लिया है ठाकुर जी ने, और वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। उनके बारे में राक्षस की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं उनकी आयु बढ़ती है। कुछ शंकराचार्यों ने भी निमंत्रण अस्वीकार किया। उनका कहना है कि मंदिर अभी निर्माणाधीन है, मंदिर बना नहीं है, उससे पहले हम कैसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा सकते हैं। कार्यक्रम तो रामानंद संप्रदाय का है, यहाँ शंकराचार्य की क्या जरूरत है। ये अयोध्या रामानंदियों का गढ़ है, वैष्णव परंपरा का गढ़ है, तो इसमें किसी जो है शंकराचार्य की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग कांग्रेसी शंकराचार्य है वही लोग विरोध कर रहे हैं। कई शंकराचार्य यहाँ आ रहे हैं, दो शंकराचार्य ने तो अभी अभी कल ही बयान दे दिया कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, और जो एक आध लोग बोल रहे हैं मुंह उनका है, वाणी कांग्रेस की है। तो इस प्रकार की चर्चा करना मुझे नहीं अच्छा लगता है। उन भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर की, राम जन्मभूमि, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम राज्य आने ही वाला है? राम राज्य आने वाला नहीं है, राम राज्य आ गया है। आपको दिखाई नहीं पड़ता अयोध्या में आनंद ही आनंद है, पूरे देश में आनंद का माहौल है, पूरा देश का हिंदू उत्साहित है, नौजवान उत्साहित है, बूढ़े बच्चे उत्साहित हैं। ये राम राज्य नहीं है, आपको कहीं लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन दुष्टों के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, और किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की, ये बाबा आदम से चली आ रही बेईमानी नहीं चलेगी। ऐ सनातन विरोधियों, बदलते मौसम की नज्म देखो, महज इशारों पर तुम्हारे सुहानी नहीं चलेगी। जय सियाराम। इसको लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोकसभा चुनाव आने से पहले लोगों का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए मोदी जी का बनाया कार्यक्रम है, इसलिए इन्होंने 22 जनवरी तारीख रखी है। फरवरी में आचार संहिता लग सकती है, मार्च अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं, इसलिए 22 जनवरी पहले से तय कर दी ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ रहे कि हाँ, उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया। हम अपने बेटी बेटा के विवाह में, उत्सव में, जन्मदिन का कार्यक्रम तो हम नहीं रोकते हैं। आज हमारे अपने भवन में आ रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। लोकसभा का इससे क्या संबंध है? लोकसभा का इससे कोई संबंध नहीं है, और देश के उच्च कोटि के विद्वानों ने मुहूर्त निकाली है, आज समय आ गया है। इस प्रकार की ओछी बातें करने वाले, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान उनको सद्बुद्धि दें और ठाकुर जी उनके ऊपर कृपा करें कि वो इस कलंक से बच जाएं, अन्यथा उनको इस दुनिया में कोई भी बचाने वाला नहीं है। तो आंपाणे साते महंत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है, उनासु अपे बात करी, और ओ जानियो के वाणों कई विचार है लोगारे दिमाग में, जी को मित चल रियो है, भ्रम चल रियो है कि 22 जनवरी तारीख क्यों तय करी गई, मंदिर निर्माणाधीन है तो प्राण प्रतिष्ठा क्यों करी जा रही है। सारा सवालों का जवाब मैं मान जीव जानिया, काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब मिलिया। आप भी कमेंट कर जरूर बताई जो कि आपने कैडो लागो, और वीडियो आगे लोगारे साथ शेयर जरूर कर जो, ताकि लोगारो मित, लोगारो भ्रम वो खत्म हो सके।